अच्छा लगता है क्यों नहीं लगता? हालांकि वो भी मुसलमान, अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जीप कैसा काटेंगे, ये करेंगे वो लेकिन मेरा सक्का कजन, मैंने उसको फोन किया यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ, यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तो टिकट करवा के देता हूँ। हम लोग जब भी जाते हैं मतलब पैसे के लिए जा रहे हैं ना, यहाँ पर कारोबार नहीं, हम लोग कहते हैं चलाओ तो भेज चले जाके कुछ पैसे कमाएं, आगे पाकिस्तान में थोड़ा छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर बंदा लॉस पे है। पाकिस्तान में कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें बंदा के मैं खुशहाल हूँ। पाकिस्तानियों की ज्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत किसकी है, पाकिस्तानियों की या हिंदुस्तानियों की? इज्जत तो इंडियन है, इंडियन की। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी, क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत आउट क्लास किस्म की है, मतलब इंग्लिश अच्छा बोलते हैं इसलिए। नहीं नहीं इंग्लिश नहीं, हिंदी वो बोलते हैं जो चाइनीज नहीं बोल सकते। नहीं ये बात तो गलत है कि वो लोग हिंदी बोलते हैं, वो लोग हम लोगों से बहुत ऊपर है, हम लोगों की वैल्यू इस टाइम जीरो है, हम लोगों की वैल्यू इस टाइम जीरो है। पाकिस्तानी साइड लाइन, पाकिस्तान को देखिए ना, वहाँ पर पाकिस्तानी हो यार, ये तो गरीब मस्कीन है, ये लोग इधर क्या आ गए हैं, मांगने आ गए हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई माँ जो उमरा करने जा रहे हैं वहाँ जाके मांग रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं, वो लोग जो अरब ममालिक में जा रहे हैं। मुझे बताए क्या हम दोबारा से वो इज्जत वो रिस्पेक्ट यहाँ पे जो दूसरे ममालिक है, जो दूसरे ममालिक की इज्जत और रिस्पेक्ट है वो हम बना सकते हैं दोबारा? हमारे लोग, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे ना, हमारे इमाम भी ठीक हो जाएंगे। वहाँ के हुक्मरान ठीक है, हम तो गालियाँ देते हैं। क्यों गालियाँ देते हैं? उनके हिसाब हम लोग देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि उनको उस मुल्क के अवाम के लिए वो ठीक है, हमारे मुल्क के अवाम के लिए ये जो है ना, ये बेगैरत जो बैठा हुआ है इसने सारा बेड़ा कर दिया, पाकिस्तान का इज्जत लूट लिया इन लोगों ने, ठीक है। पहले हम जाता था पाकिस्तान का इतनी इज्जत होता था, अभी हम जाते हैं तो पाकिस्तान को लोग गाली देते कि ये क्या लोग आए हुए, बेकारी लोग आए हुए इधर, ये हुए वो रहे, अब तो वीजा लगाने में भी डरते हैं कि पाकिस्तानी जा रहे हैं, क्या वीजा बंद हो गया पाकिस्तानियों के लिए, कल मैं पढ़ हर चीज के लिए बंद हो गया। अब दुबई भी जाने के लिए ना पहले फ्रेश पासपोर्ट होना, पहले सोचते हैं ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, के लिए टाइम था, टिकट लेनी पड़ती, टिकट लेनी पड़ती थी आम वीजा था। मैं जब गया था मुझे याद है 34,000 रुपए की रिटर्न अनरिटर्न टिकट थी और विजिट वीजा 30,000 रुपए का था उस टाइम, ठीक है, और इजीली पासपोर्ट लग जाता। अब विजिट वीजा भी लगाने के लिए सोचते हैं कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, पहले इसको बैन किया पाकिस्तानियों की, क्यों किया, क्यों किया गया, हम लोग अपनी गलती की वजह से, तो हमारे हुक्मरानों की गलतियों से। आज भी ब्लेम गेम हमारा मीडिया खेल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो सही है, हिंदुस्तान कर रहा है, इसराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, भाई दीगर जितने ममालिक वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर टारगेट नजर रख के बैठे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा है। क्या पाकिस्तान के करप्शन के अलावा क्या है? हर बंदा तो चोर है, जो बंदा हक के लिए बोले तो क्या नाचोगे उसको गैब, उसको पता ही लगना वो मीना डेढ़ मीना कहाँ गया है, और पूछने वाला भी कोई नहीं, पूछने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, जो पूछते उसको भी गैब कर देते, उसको भी गैब कर देते। पूछने वाले आएंगे तो एरगन ने कहाँ पे आना है पूछने वाले? मैं आपके साथ बात करूँ कल, शायद मैं भी आना हूँ आपको, अल्लाह करे आपकी खबर मैं ले लूंगी। मेरी बात सुने, क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो है अभी भी सही पकड़े हैं, हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे, यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूलिंग है, शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। मुसलमान आज क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में, सोचने वाली बात है। वो कहते होंगे हमारे भाई बस अल्लाह इनको हाफिज है, इनका इन लोगों को कुछ नहीं बन सकता। मैं कसम से खा के कहता हूँ, इंडियन थे ना मेरे साथ, वो इतने अच्छे लोग थे ना जिनका अच्छे हम लोग उनके ख्याल बयान नहीं कर सकते। मेरा अपना एक दोस्त है इंडियन, उसने और मैंने 2 साल इकट्ठे गुजारे हैं, हम लोगों ने एक ही रूम में इकट्ठे गुजारे, एक बांग्लादेशी था, 2 हम इंडियन थे, 2 पाकिस्तानी थे हमारे साथ, मेरे साथ हम जो रूम में रहते थे, लेकिन इंडियन वाले बहुत खुशहाल थे, वो लोग एहसास करने वाले थे। मैं अक्सर बीमार होता था, इंडियन ने कहना यार खाना नहीं खाया, चला मैं तो खाना खिलाऊँ, दवाई नहीं खाई, मैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है क्यों नहीं लगता, हालांकि थे वो भी मुसलमान, अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोल अच्छा लगता है क्यों नहीं लगता, हालांकि थे वो भी मुसलमान, अगर हाँ ये हमारा पाकिस्तानी होता था तो हम बोलता था कि इसका जीप कैसा काटेंगे, ये करेंगे वो कर, लेकिन मेरा सक्का कजन, मैंने उसको फोन किया यार मैं बीमार हूँ, मैंने पाकिस्तान जाने का सोचा हुआ है तो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं टिकट करवा के पाकिस्तान चलूँ, यार मुझे अपनी खुद सैलरी नहीं मिली, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इंडियन को मैंने कहा उसने कितने पैसे चाहिए, मैं तो टिकट करवा के देता हूँ यार, तू पाकिस्तान जाने वाला बन यार, तुमने जाना जाने वाला बन, मुझे दोबारा उस इंडियन ने वीजा भेजा जाना है, मैं कहा नहीं यार मैंने अपने घर में रहना है। जो चीज़ ना पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन करप्शन अगर पाकिस्तान में खत्म हो जाए ना तो पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। इस सोने की चिड़िया को सुनते हुए हमें 76 साल गुजर गए लेकिन ये चिड़िया सही हो नहीं रही। 500